इंस्पेक्शन के ऊपर लेने वाला है। तो गाइज आज के वीडियो में हम अपनी बाइक के अंदर ये प्रोजेक्टर वाले फॉग लैम्प इंस्टॉल करने वाले हैं। गाइज ये आज का सबसे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। दोस्तों वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इसका इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा, इसका कनेक्शन मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, हर वीडियो की तरह ये भी वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलो मत वीडियो शुरू करो यार, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम इन लाइट्स को यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। गाइस इन लाइट्स को मैंने ऑनलाइन बाय किया है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो इनका बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डायरेक्टली ऑर्डर करवा सकते हो। और अगर आप कोई और स्टोर से इसे लेना चाहते हो तो ये आपको कोई भी स्टोर पर मिल जाएंगे, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह। तो आपको सर्च करना है खाली प्रोजेक्टर फॉग लाइट, इस प्रकार से आप सर्च करोगे तो आपको ये इजीली ऑनलाइन किसी भी स्टोर पर मिल जाएंगे। नहीं तो मैं नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका बाय लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसे डायरेक्टली ऑर्डर करवा सकते हो। देखिए इन लाइट्स के साथ हमें यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन का ये फिटिंग के लिए कुछ मटेरियल यहाँ पर मिल जाता है इस पाउच के अंदर। यहाँ पर इसके अंदर एक क्लिप हमें मिल जाता है और साथ में कुछ स्क्रू वगैरह इसके साथ में हमें मिल जाते हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इंस्टॉलेशन के लिए इसे माउंटिंग करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये अपना मेन डुअल कलर प्रोजेक्टर लाइट है। इस प्रोजेक्टर लाइट की बॉडी यहाँ पर एल्यूमिनियम से बनाई गई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये हीट सिंक का काम करता है, लाइट को कूलिंग रखने के लिए ये हीट सिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइस सामने की तरफ आपको इस प्रकार से एक लेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है जिसमें से हमें दो कलर आउटपुट मिलते हैं। और ये दिखने में बिल्कुल CYT V4 प्रोजेक्टर LED लाइट जो हमने अपनी बाइक में इंस्टॉल किया था बिल्कुल उसी तरह से ये सामने से दिखता है। और इसका फोकस भी उसी प्रकार से काफ़ी अच्छे से हमें आउटपुट मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और गाइस ये काफ़ी चीप रेट में हमें मिल जाता है। CYT V4 प्रोजेक्टर लाइट वो थोड़ा कॉस्टली आता है लेकिन उसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, आप वीडियो में देख सकते हो। अपने चैनल पर ऑलरेडी उसका वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। इस प्रोजेक्टर लाइट में हमें यहाँ पर 3 वायर कनेक्शन देखने को मिल जाता है। गाइस पिछले वीडियो में हमने अपनी बाइक के अंदर DRL लाइट्स को फिट किया था। DRL लाइट की वजह से बाइक बहुत दूर से ही विजिबल हो जाती है और ये रोड सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हमने ये मॉडिफिकेशन किया है। नंबर प्लेट के नीचे हमने यहाँ पर DRL लाइट्स को यहाँ पर फिट कर दिया है और इस हेडलाइट के अंदर भी हमने यहाँ पर CYT V4 प्रोजेक्टर लाइट लगा रखा है। गाइस ये CYT लाइट, इसको सबसे बेस्ट LED लाइट में कहूँगा क्योंकि पिछले लगभग 16 मंथ से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे इसका मिला है। एक बेस्ट LED हेडलाइट मैं इसको कहूँगा क्योंकि काफ़ी अच्छा, ये मेरा सबसे फेवरेट LED हेडलाइट है। तो गाइस इसका भी वीडियो आप ज़रूर देखिए, हमारे बहुत सारी वीडियोस हमने बना रखे हैं बाइक से रिलेटेड, बहुत से मॉडिफिकेशन की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप एक बार ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस अभी हम इन प्रोजेक्टर लाइट्स को पहले यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। तो गाइस ये अपने पास अपनी बाइक का 12 होल्ड का बैटरी है, लीड एसिड बैटरी। गाइस इसको हमने यहाँ पर निकाल के रख दिया है क्योंकि हमने अपनी बाइक के अंदर लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल कर रखा है जो हमने खुद डिज़ाइन किया था, उसके ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं। और गाइस लिथियम आयन बैटरी बहुत ही अच्छे से अभी बाइक के अंदर वर्किंग कर रहा है ये लीड एसिड बैटरी के मुकाबले। ये लीड एसिड बैटरी काफ़ी हेवी होती है और इसका बैकअप बहुत ही घटिया होता है, ये बहुत जल्दी लो हो जाती है, इसीलिए दोस्तों हमने लिथियम बैटरी को बनाया और वही लिथियम बैटरी हम आज भी बाइक के अंदर यूज़ कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो अभी जल्दी से हम अपने प्रोजेक्टर लाइट्स को यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। तो ये प्रोजेक्टर लाइट का ब्लैक वायर जो है हमने बैटरी के नेगेटिव के साथ यहाँ पर लगा दिया है और बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है ये हमने येलो वायर के साथ लगाया। तो देखिए इसका वाइट कलर का फोकस आउटपुट हमें मिल रहा है जो कि काफ़ी तेज़ है। अभी यहाँ पर ये जो रेड वायर है इसको हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, देखिए यहाँ पर ये येलो कलर का आउटपुट हमें मिल रहा है। तो गाइस इसी प्रकार से आपको दोनों प्रोजेक्टर लाइट को टेस्टिंग कर लेना है, उसके बाद ही आप इसको बाइक में फिट कीजिएगा। ओके, अगर इसमें कोई भी फॉल्ट है तो आप इसे रिटर्न कर सकते हो ऑनलाइन, अगर आपने बाइक है तो आप इसको इजीली रिटर्न कर सकते हो। तो गाइस अभी हमें इस क्लैंप को यहाँ पर फिट कर लेना है, इसके साथ में जो स्क्रू मिले हैं इसी को यहाँ पर लगा करके
इस क्लैंप को हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। गाइज, क्लैंप फिटिंग हो जाने के बाद आपको इस प्रकार से इसको टेस्टिंग कर लेना है। इसका येलो कलर का फोकस जो है थोड़ा सा नज़दीकी पड़ना चाहिए और व्हाइट कलर का थोड़ा सा आगे की साइड में पड़ना चाहिए इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से आपको सेटिंग कर लेना है, नहीं तो इसके स्क्रू ओपन करके आप इसकी साइड चेंज कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ पर मैंने दोनों प्रोजेक्टर लाइट का एकदम प्रॉपर सेटिंग यहाँ पर कर लिया है। अभी इसके इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज, प्रोजेक्टर लाइट इंस्टॉलेशन करने के लिए देखिए आपको दो जगह है, एक तो ये लेग गार्ड के ऊपर, तो ये जो लेग गार्ड रहता है गाइस, इसको ड्रिलिंग करके इसके ऊपर आप इसको इजीली यहाँ पर फिट कर सकते हो। तो इस साइड में एक प्रोजेक्टर लाइट आपका फिट हो जाएगा और सेम दूसरी साइड में और इस वाले साइड में दूसरा वाला प्रोजेक्टर लाइट यहाँ पर फिट हो जाएगा लेग गार्ड के ऊपर, बिल्कुल हॉर्न के पास। ओके, लेकिन गाइस हम यहाँ पर आपको दूसरी जगह दिखाने वाले हैं। तो दूसरी जगह है गाइस, इस जगह पर देखिए ये जो क्लैंप यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस जगह पर हमने पहले भी फॉग लाइट लगा रखे थे, आरजीबी कलर वाले फॉग लाइट्स। तो इसी जगह पर हम इन प्रोजेक्टर लाइट्स को यहाँ पर फिट करेंगे। तो गाइस, जब भी आप अपनी बाइक में कोई भी एक्स्ट्रा फॉग लाइट्स अगर लगाते हो तो उसके लिए एक रूल होता है, जो भी आप फॉग लाइट लगाओगे तो उसको आपको हेडलाइट के बिल्कुल नीचे की साइड में लगाना है। हेडलाइट से अगर ऊपर लगाओगे तो इसका आपको चलान हो सकता है, इसीलिए हेडलाइट के नीचे ही आपको कोई भी एक्स्ट्रा फॉग लाइट्स आप बाइक के अंदर या फिर कार के अंदर लगा सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर दोनों प्रोजेक्टर लाइट्स को यहाँ पर फिट कर लेते हैं, उसके बाद में इसका कनेक्शन करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर हमने दोनों प्रोजेक्टर लाइट को फिट कर दिया है कुछ इस प्रकार से। देखिए, इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर फिटिंग कर दिया है, सामने से कुछ इस प्रकार से ये दिखेंगे और बिल्कुल हेडलाइट के नीचे ही हमने इनको यहाँ पर फिट किया है। इसका चलन होना मुश्किल है। ओके, अगर हेडलाइट के ऊपर अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा फॉग लाइट या फिर कोई भी लाइट अगर लगाते हो तो उसका आपको चलान हो सकता है, इसीलिए जब भी आप कोई फॉग लाइट अगर बाइक के अंदर लगाओगे तो आपको हेडलाइट के नीचे लगाना है। ओके, तो गाइस अभी प्रोजेक्टर लाइट का कनेक्शन करना है, उसके लिए हमें बाइक का वाइजर को ओपन करना पड़ेगा। तो दोनों साइड के 10 नंबर के बोल्ट ओपन करके हमने इस वाइजर को यहाँ पर खोल दिया है। अभी गाइस, वाइजर में लगे इंडिकेटर लाइट जो रहते हैं, लेफ्ट और राइट इंडिकेटर, उनका कनेक्शन हमें यहाँ पर निकाल देना पड़ेगा। तो इसके कनेक्शन में यहाँ पर निकाल देता हूँ इसके सॉकेट, और वाइजर को हम यहाँ पर साइड में निकाल के रख देते हैं। और गाइस, अभी हमें यहाँ पर हेडलाइट को भी ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हेडलाइट के पीछे की साइड में हमें इसका कनेक्शन करना है, प्रोजेक्टर लाइट का कनेक्शन। तो कनेक्शन मैं आपको एकदम प्रॉपर तरीके से दिखाने वाला हूँ, बस आप वीडियो में लास्ट तक ऐसे ही बने रहिएगा। गाइस, यहाँ पर हमने हेडलाइट रिफ्लेक्टर को भी ओपन कर दिया है। अभी इस हेडलाइट के अंदर CYT V4 LED हेडलाइट लगा रखा है हमने, इसका वीडियो आप ज़रूर देखिए हमारे चैनल पर, बहुत ही अच्छा एक LED हेडलाइट है बाइक के लिए। गाइस, यहाँ पर बाइक का कनेक्शन DC कनेक्शन हमने कर रखा है और उसी के ऊपर ये LED हेडलाइट अभी तक यहाँ पर चल रहा था। तो गाइस, अभी हमने क्या करना है, इसी LED हेडलाइट के कनेक्शन को यूज़ करके हमने इन प्रोजेक्टर लाइट्स का भी कनेक्शन कर देना है, लेकिन इस हेडलाइट के कनेक्शन में से हमें खाली पॉजिटिव सप्लाई का कनेक्शन लेना है, नेगेटिव का नहीं लेना है। नेगेटिव के लिए हम यहाँ पर एक स्विच को यूज़ करेंगे, जिससे ही हम हेडलाइट को ऑन करेंगे और नेगेटिव का जो स्विच रहेगा उसको ऑन करेंगे, तभी हमारे प्रोजेक्टर लाइट चलेंगे। अभी गाइस, हमने यहाँ पर दोनों प्रोजेक्टर लाइट का जो कनेक्शन है उनको हमने आपस में पैरेलल कनेक्शन कर दिया है, जैसे ब्लैक वायर के साथ ब्लैक वायर को जोड़ दिया है, रेड वायर के साथ रेड वायर को जोड़ दिया है, और येलो वायर के साथ येलो वायर को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अभी हमारे यहाँ पर येलो वायर और रेड वायर, ये दोनों पॉजिटिव की सप्लाई है हाई बीम और लो बीम के लिए, और ये ब्लैक वायर जो है ये हमारा नेगेटिव का सप्लाई होगा, जो हमारा स्विच के अंदर चला जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पर ये जो हेडलाइट का कपलर है, इसमें से व्हाइट वायर का एक कनेक्टर को निकालेंगे, ये लो बीम का होता है व्हाइट वायर। तो यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइट का ये जो रेड वायर है हमें इसी व्हाइट वायर में कनेक्ट कर देना है, क्योंकि लो बीम का सप्लाई हमें यहीं से मिलेगा। तो इस वायर को इसी कनेक्टर के साथ ऐसे कनेक्ट करके इस वाले कनेक्टर में वापस इसको उसकी जगह पर ऐसे बंद कर देंगे। ओके, ये लो बीम का कनेक्शन हो गया है। अभी हमें हाई बीम का कनेक्शन करना है। तो हाई बीम के लिए इसी कपलर के अंदर देखिए ये जो ब्लू वायर है इसका कनेक्टर ऐसे निकालना है। अभी यहाँ पर इस येलो वायर का कनेक्शन करना है, क्योंकि येलो वायर हमारा
हाई बीम का है, वाइट फोकस आउटपुट। तो इस वायर को भी हमें इस ब्लू वायर में लगा देना है, क्योंकि यहाँ से हमें हाई बीम का कनेक्शन मिलने वाला है। तो इस वायर को सिंपली ऐसे कनेक्ट करना है और वापस उसकी जगह पर उसी कनेक्टर में इस ब्लू वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से गाइस आपका पॉजिटिव का सप्लाई हो जाएगा हाई बीम और लो बीम के साथ, हेडलाइट के साथ। तो गाइस अभी हमें यहाँ पर नेगेटिव का कनेक्शन करना है। तो गाइस यहाँ पर हमें एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इस टाइप का एक स्विच को हमने यहाँ पर हैंडल के पास में इंस्टॉल कर लिया है और इसका कनेक्शन हमने नीचे यहाँ पर निकाल दिया है। अभी गाइस यहाँ पर ये जो ब्लैक वायर है, ये वाला ब्लैक वायर, तो इसको मैंने बॉडी के साथ अर्थ कर दिया है। ये मेरा नेगेटिव का है, तो स्विच का नेगेटिव वायर यानी स्विच का ब्लैक वायर और ये जो बॉडी अर्थ जो मैंने किया है ये ब्लैक वायर, इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अभी ये जो हरा वाला जो वायर है गाइस, ग्रीन वायर, इसमें हमारा नेगेटिव सप्लाई वापस आएगा। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा नेगेटिव सप्लाई इस ग्रीन वायर में हमें मिल जाएगा। अभी गाइस प्रोजेक्टर लाइट का ये जो नेगेटिव वायर है ब्लैक वायर, तो इस ब्लैक वायर को हमें इसी ग्रीन वायर में यहाँ पर कनेक्ट करना है। इस प्रकार से इसका कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही हम हेड लाइट को ऑन करेंगे और हैंडल पे लगा स्विच अगर हम ऑन करेंगे तभी हमारे प्रोजेक्टर लाइट चलेंगे, अदरवाइज प्रोजेक्टर लाइट यहाँ पर ऑफ ही रहेंगे। और प्रोजेक्टर लाइट का हाई बीम लो बीम जो है गाइस, हेड लाइट के साथ ही हाई बीम और लो बीम इसका चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से गाइस कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बेशक कमेंट्स कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस अभी जल्दी से मैं यहाँ पर टेपिंग कर लेता हूँ। तो गाइस अभी हम प्रोजेक्टर लाइट्स को यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने गाड़ी का ये जो हेडलाइट है इसके ऊपर एक कपड़े को ऐसे कवर कर दिया है, क्योंकि हेडलाइट का फोकस आगे के सामने दिखेगा, इसीलिए मैंने वहाँ पर एक कपड़ा रख दिया है। तो अभी हम हेडलाइट को यहाँ पर ऑन करते हैं और देखिए हमारे प्रोजेक्टर लाइट्स का फोकस किस प्रकार से यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है, ये लो बीम और ये हाई बीम। तो गाइस काफ़ी अच्छे से इसका आउटपुट हमें यहाँ पर मिल रहा है, हाई बीम लो बीम। ये जो प्रोजेक्टर लाइट है गाइस, इसका एक लिमिटेड एरिया में फोकस पड़ता है, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से इसका फोकस हमें यहाँ पर आउटपुट मिल जाता है। जिस प्राइस पॉइंट पे ये अवेलेबल है उस हिसाब से इनका फोकस काफ़ी अच्छा है। देखिए अभी हम कपड़े को हटाते हैं। अभी गाइस ये CYT प्लस हमारे प्रोजेक्टर लाइट का फोकस आप देखिए, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ब्राइटनेस आपको दिखेगा गाइस इन तीनों लाइट्स का। तो गाइस अगर आप भी ऐसी प्रोजेक्टर लाइट अगर लगाना चाहते हो तो ज़रूर लगाइए अपनी बाइक में, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर मिलता है। तो चलिए अभी मैं आपको अपनी बाइक का थोड़ा सा डेकोरेशन भी दिखा देता हूँ। अपनी बाइक में हमने एक हज़ार्ड स्विच को लगा रखा है, तो देखिए ये रहा हज़ार्ड स्विच। तो गाइस इसके ऊपर भी हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं किस प्रकार से आपको अपनी बाइक का डेकोरेशन करना है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, हमारा बाइक आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट्स में लिखना मत भूलिए इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है। तो गाइस ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बाकी वीडियोस आप ज़रूर देखिए, टू व्हीलर के और फोर व्हीलर के बहुत सारे मॉडिफिकेशन के ऊपर हमारे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑडियो सिस्टम के ऊपर हम वीडियोस बनाते रहते हैं। गाइस हमारा चैनल एक है लेकिन आपको कई प्रकार के वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो गाइस ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिएगा। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए दोस्तों मिलेंगे हमारे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।